प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा चौकीदार ही चोर है अमेठी। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी में थे। यहां उन्होंने गौरीगंज के बाबा नंद महल में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले मोदी जी आए, उन्होंने वादा किया था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख दूंगा। चौकीदार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन अब वो ये बात नहीं कर रहे हैं। चौकीदार जहां भी जाता है झूठ बोलता है। चौकीदार ने 5,74,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी के सभी लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैं 5 करोड़ लोगों को अकाउंट में पैसा देना चाहता हूँ। यहाँ दूसरी चौकीदारी है, यहाँ दूसरा परमिशन चाहिए, यहाँ दूसरी रिश्वत दो, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, पांचवें में जाओ, छठे में जाओ, 10-15 डिपार्टमेंट में जाओ, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत दो, हर डिपार्टमेंट में परमिशन मांगो। 6-7 महीने लगते हैं, पता लगता है बिजनेस चालू नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं दे पाए, पूरा का पूरा पैसा परमिशन देने में चला गया। पूरा का पूरा दलाल है, दलाल है पूरा का पूरा। तो हमने निर्णय लिया है, हमने निर्णय लिया, किसी भी युवा से पूछो भैया नरेंद्र मोदी ने आपके लिए क्या किया, अनिल अंबानी के लिए किया, मेहुल चौकसी के लिए किया, नीरव मोदी के लिए किया, ललित मोदी विजय माल्या के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। भैया एक बात मुझे समझा दो, मैं सोच रहा हूँ ये नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे, सबके नाम मोदी मोदी। अच्छा प्रधानमंत्री का भाषण देखा आपने आजकल? देखो प्रधानमंत्री का भाषण, एक तरफ 2 आईने लगते हैं, एक शीशा इस तरफ एक शीशा उस तरफ, उसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का कंट्रोलर है पीछे, नाम आप जानते हो, पीछे कंट्रोलर है। प्रधानमंत्री आजकल बेरोजगारी की बात नहीं करते, आवारा पशु की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, वो पीछे से कंट्रोलर कहता है मोदी जी गलती से भी भैया बेरोजगारी की बात मत करना, जनता डंडा मारेगी। भैया गलती से भैया किसानों की बात मत कर देना। उधर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया, कह भी नहीं देना गलती से। अच्छा भैया 15 लाख की बात मत करो, कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना की बात की है, वो आपने 15 लाख झूठ बोला था, ये 3,60,000 देने वाले हैं। तो नरेंद्र अकाउंट से निकालूंगा, फिर से सुन लो, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से निकालूंगा, नीरव मोदी के बैंक अकाउंट से निकालूंगा, मेहुल चौकसी, विजय माल्या। मुझे बताओ विजय माल्या को वापस क्यों नहीं लाए नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी को क्यों नहीं लाए, मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लाए? जाने से पहले विजय माल्या फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिला, 20 मिनट बात हुई है, 20 मिनट बात हुई है, सौदा हुआ वहां पे, 10,000 करोड़ रुपए ले गया, फ्री में नहीं जाता कोई। सीबीआई उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया वो अरुण जेटली से मिला जाने से पहले। सबकी जेब से निकाल निकाल के निकाल निकाल के न्याय योजना का पैसा दूंगा। मगर उसके बाद नरेंद्र मोदी एक और झूठ बोला, पहले कहते पैसा कहां से आएगा, उसके बाद में कहते हैं पैसा मध्यम वर्ग से आएगा, मिडिल क्लास से आएगा। मैं आपको सीधा बता देता हूं।